ने आम आदमी को दिन ब दिन ठोकरे ही देती जा रही है। आम आदमी जो जिंदगी भर काम करके अपना प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है ताकि बुढ़ापे में उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, लेकिन इस सरकार ने तो आम आदमी को ठोकरे देने की जनो आदत ही डाल दी है। अभी खबर आ रही है कि ईपीएफओ ने, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने, पीएफ के ऊपर का जो इंटरेस्ट रेट है वो घटाकर 8.65 से 8.55 कर दिया है। 2015-16 में प्रोविडेंट फंड के ऊपर का 8.8 जो 2016-17 में 8.65 कर दिया था, अभी उसको तीसरी बार घटाकर 8.55 कर दिया है। ये सरकार के राज में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल ही होता जा रहा है। तो भैया कुछ तो करो, मोदी सरकार आम आदमी के बारे में कुछ तो सोचो। नोटबंदी के बाद भारत में मोबाइल वॉलेट यूज करने वालों की संख्या बढ़ गई थी। अरे मोबाइल वॉलेट क्या झमेला है भैया? मोबाइल वॉलेट मींस एक प्रकार का मोबाइल बटुआ होता है जिसे आप अपने पैसा ऑनलाइन ही उधर उधर खिसका सकते हो और बीवी को भी पता नहीं चलता। तो रिजर्व बैंक की तरफ से खबर आ रही है कि अगर आप अपना मोबाइल वॉलेट को eKYC थ्रू वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल वॉलेट ये बंद हो सकता है। रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट परवाना धारक कंपनियों को बता दिया है कि वो उनके ग्राहकों से eKYC भर के ले ले और ये प्रक्रिया वो 28 फरवरी से पहले पूरी कर दे, नहीं तो उनके ग्राहकों का मोबाइल वॉलेट बंद कर दिया जाएगा। भैया अब तक देश में सिर्फ 9% लोगों ने ही जो मोबाइल वॉलेट यूज करते उन्होंने eKYC भरा है और अभी तक 91% लोग eKYC वेरिफिकेशन करने से रह गए। तो भैया 28 फरवरी लास्ट डेट है, तो भर दो जल्दी, लग जाओ काम में। रिजर्व बैंक के आदेशानुसार अभी जो मोबाइल वॉलेट धारक कंपनियां है जैसे एयरटेल मनी, पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीविक्स अपने ग्राहकों को बोल रही भैया जल्दी भरो अपना eKYC और वेरिफिकेशन भी जल्दी कर दो, नहीं तो आपका मोबाइल वॉलेट बंद हो जाएगा, 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो आप अपना मोबाइल वॉलेट eKYC कैसे कर सकते हो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने अपने मोबाइल ऐप पे ऑप्शन दिया है वो भी KYC का। उस KYC ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस दिया जाएगा, वहाँ जाके आप अपना आधार कार्ड दिखा के अपने थंब इम्प्रेशन देके अपनी eKYC की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हो और अपना मोबाइल वॉलेट बचा सकते हो भैया। तो बोलो जय माता दी। खत्म करने से आज कुछ सुनते हैं ज्ञान की बातें। तो हम फोन उठाकर पहले हेलो क्यों बोलते हैं, इस पीछे का आपको राज मालूम है क्या? आप सभी को मालूम है कि फोन का आविष्कार महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने लगाया था। तो उन्होंने फोन का आविष्कार लगाने के बाद पहला फोन अपने गर्लफ्रेंड को किया था और फोन लगने के बाद उन्होंने बोला हेलो, तो हेलो उनके गर्लफ्रेंड का नाम था और वही से ये ट्रेंड पड़ गया। तो सुनते हैं हेलो हेलो पे एक गाना। हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के, हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के, दीवानी लड़की है कि देख तीर नजरों से देखे मुझे देखते ही कहती है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और मेरा चैनल जय भारत लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके मेरे जय भारत फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय भारत।